इस आज की वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट सीमेंट सैंड एग्रीगेट एंड आपका जो पीसीसी होता है। तो आपने देखा होगा जो पीसीसी होता है आपका फ्लोरिंग में भी काम आता है, जैसे आपको टायर लगाना है या फिर मार्बल लगाना है तो उस काम में भी आपको पीसीसी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। दूसरा ये है कि अगर आपको फुटिंग है, जैसे कि आप कॉलम है या फिर आपके ब्रिक मेजरिंग का जो फुटिंग है, तो वहाँ पर भी आपकी पीसीसी रिक्वायर्ड रहती है, तो वहाँ पर भी पीसीसी आप कास्टिंग करते हो। जहाँ पे भी आपके पीसीसी रिक्वायरमेंट रहते हैं जब डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में, जैसे आपका अगर आप आरसीसी का रोड बना रहे हैं या फिर सीसी रोड बना रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपको पीसीसी की ज़रूरत रहती है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो पीसीसी है उसमें सीमेंट और सैंड एग्रीगेट कितनी कितना लगेगा, प्लस उसमें खर्चा कितना आ जाएगा, प्लस पर स्क्वायर फीट जो आपका पर स्क्वायर फीट है उसमें खर्चा कितना आ जाएगा, तो वो इसमें हम थंब रूल से सिखाएंगे। थंब रूल हम कैसे बनाते हैं इस तरह से आपको सिखाएंगे। इसमें मैंने एक प्लॉट का एरिया ले लिया या फिर कोई कवर्ड एरिया लिया है जिसका एरिया 1000 स्क्वायर फीट। मैंने यहाँ पे 1000 स्क्वायर फीट लिया है। 1000 फीट का अगर आप निकाल लेंगे, 1000 स्क्वायर फीट में इतना सीमेंट सैंड और गिट्टी लगता है, तो आप आसानी से पर स्क्वायर फीट का आसानी से यहाँ से निकाल सकते हो। तो फ्लोर एरिया मैंने यहाँ पे लिया 1000 स्क्वायर फीट का, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो स्क्वायर मीटर के अंदर। तो स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको सिंपल क्या करना है, 10.76 इसको भाग कर देना है, क्योंकि एक स्क्वायर मीटर में होते हैं 10.76 स्क्वायर फीट। तो इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया है, तो ये हो गया हमारे पास 92.94 स्क्वायर मीटर। तो वहीं हम रेशियो की बात करते हैं, तो रेशियो हमारे पास हो जाता है 1:4:8 का रेशियो हो जाता है, और उसको सम करते हैं। जैसे कि सीमेंट, जैसे एक तो सीमेंट होता है, 1 और 4 होता है आपका तगाड़ी, जिसको आप बोलते हो तगाड़ी या फिर केजी में बात करेंगे हम यहाँ पे, तो 1 तसला हो जाता है आपका तगाड़ी सीमेंट हो जाता है, 4 तसला तगाड़ी हो जाता है आपका सैंड जो बदरपुर होता है, और 4 जो तगड़ी तगाड़ा या तसला जो भी होता है वो हो जाता है आपका 8। ठीक है, तो 1:4:8 का रेशियो हो जाता है, तो इसका सम हो जाएगा 1:4:8। ठीक है, 1:4:8 को सम करेंगे, जोड़ करेंगे तो 13 हो जाता है, जो हो जाता है हम M5 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट। अगर आपसे पूछा जाए तो M5 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट बोला जाएगा। वहीं हम थिकनेस की बात करते हैं, अब थिकनेस कितना रहेगा, 4 इंची। अब मोस्टली क्या लेते हैं हम, थिकनेस 4 इंची ही लेते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड जो थिकनेस रहता है 4 इंची रहता है, और पीसीसी 1:4:8 से नीचे हम नहीं लेते हैं। जैसे कि 5:10 हो जाता है, 1:8:16 हो जाता है, तो वही 5:10, 1:8:16 वो हो जाता है आपका, जैसे बाउंड्री वाल बना रहे हैं तो वहाँ पर ब्रिक ब्लास्ट के अंदर या फिर आपका इसमें मैनुअली काम में ले सकते हो। बट लेकिन जैसे टायर लगा ले फ्लोरिंग कर रहे हैं या फिर आप फुटिंग के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पर 1:4:8, 1:3:6 में ही आपको जाना है। तो 4 इंची है, 4 इंची को हम कन्वर्ट कर लेते हैं यहाँ पे मिलीमीटर में, तो 4 इंची बराबर हो जाता है हमारा 100 मिलीमीटर या फिर 0.1 मीटर। अब हम वॉल्यूम की बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास एरिया पता है। एरिया वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू थिकनेस। ठीक है, तो एरिया कितना है हमारे पास, 92.94 स्क्वायर मीटर। तो 92.94 स्क्वायर मीटर गुना हो जाता है 0.10। तो 0.10 हमारे पास क्या है, ये थिकनेस। तो एरिया इंटू थिकनेस वॉल्यूम हो जाती है हमारे पास, कि हमारे पास इतना, अगर RMC से आप प्लांट से मंगाएंगे कॉन्क्रीट, तो आपका इतना कॉन्क्रीट लगने वाला है 9.29 क्यूब मीटर। ठीक है, RMC से डायरेक्ट मंगाएंगे तो वो क्या रहेगी, वेट फॉर्म के अंदर। इसको हम क्यूबिक फीट के अंदर भी बदल सकते हैं, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 328 क्यूबिक फीट। अगर आपसे फीट में पूछा हुआ कितना फीट माल लगेगा, तो 328 फीट लगेगा। यहाँ पे आप डायरेक्ट फीट में निकाल सकते हैं, जैसे कि 1000 गुना करेंगे आप, 4 इंची कन्वर्ट करेंगे, 832 33, तो 0.33 से गुना करेंगे, एरिया आपके पास है और थिकनेस ही हो जाता है, तो इसको दोनों गुना करेंगे तो इतना हो जाता है। ठीक है, अब हम ड्राई वॉल्यूम निकालेंगे, तो ड्राई वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है, ये एक थंब रूल होता है 1.54, ये ड्राइंग डेंसिटी होती है, 1 क्यूबिक मीटर में होता है 1.54 क्यूबिक मीटर। ठीक है, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में होता है 0.54% इंक्रीज होता है आपका ड्राई वॉल्यूम। तो दोनों को हम गुणा कर लेते हैं, ये हमारे पास वेट वॉल्यूम है और ये आपके ड्राई वॉल्यूम है पर क्यूबिक मीटर के अंदर, दोनों को गुणा कर लेते हैं तो 14.30 क्यूबिक मीटर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम सीमेंट की वॉल्यूम निकालते हैं, सीमेंट कितना लगेगा हमारे पास है, 1 पार्ट सीमेंट, आपके पता है कि 1 पार्ट सीमेंट लग रहा है, टोटल पार्ट कितने हैं 13, की रेशियो कितना है, इसमें रेशियो लग रहा है 1:4:8 का, तो 1:4:8 कितना हो जाता है हमारे पास 13, और 1 पार्ट सीमेंट लग रहा है, तो 13 पार्ट में से हम इसको रेशियो को डिवाइड कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 1.10 क्यूबिक मीटर, ये वॉल्यूम आएगी हमारे पास क्यूबिक मीटर के अंदर। तो हमारे पास बैग्स का क्वांटिटी हम निकालेंगे, तो 1.10 गुना 28.8 यहाँ पे कितना है 1.10, तो वॉल्यूम है 1 मीटर। डेंसिटी क्या होती है सीमेंट की,
डेंसिटी होती है 1 मीटर क्यूब बराबर 1440 kg, 1440 kg होती है, और 1 बैग सीमेंट का कितना होता है 50 kg बैग, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो हमारे पास 1440 भाग कर लेंगे 50 से, तो ये हमारे पास हो जाएगा 28.8 बैग, ठीक है। तो 28.8 हो गया क्यूब मीटर में, तो दोनों को गुना कर लेते हैं, तो हमारे पास हो जाता है 31.368 बैग, हमारे पास इतने बैग सीमेंट के हो जाते हैं। अब हम सैंड की बात करते हैं, कितना रेत लगेगा, तो चार पार्ट हमारे पास सैंड के, और 1.1 पार्ट है एक क्यूब मीटर में, वन पार्ट में कितना वॉल्यूम आता है, वन पार्ट सीमेंट का था, तो वन पार्ट में कितना वॉल्यूम आ जाता है 1.10, तो जब चार पार्ट में कितना आएगा, तो दोनों को गुना कर लेते हैं, तो 4.4 क्यूबिक मीटर आ जाता है, क्यूबिक फीट में बदलेंगे तो 155 क्यूबिक फीट आ जाता है। तो 1 मीटर क्यूब में होता है 35.3147 क्यूबिक फीट, ठीक है। तो मैंने इसको सिंपल इसको गुना किया है, तो दोनों को जब इसको और इसको गुना करेंगे तो हमारे पास 155 क्यूबिक फीट आ जाता है। वही हम बात करते हैं गिट्टी कितना लगेगा, कि 8 पार्ट हमारे पास है गिट्टी के, और 1.10 पार्ट है हमारे पास वन पार्ट में कितना लगता है इतना, तो 8 पार्ट में कितना लगेगा 1.10, तो कितना हो जाता है 1.2 क्यूबिक मीटर। जब हम तीनों को प्लस करेंगे, एक को इसको उसको सीमेंट सैंड एग्रीगेट का तीनों वॉल्यूम हमें प्लस करके देखना चाहिए, 1.4 + 8.8, तो तीनों को जब हम ऐड करेंगे प्लस करेंगे जोड़ कर करेंगे तो हमारे पास कितना वॉल्यूम आना चाहिए 14.30 यही किलोमीटर आना चाहिए। तो तीनों को हम प्लस करते हैं तो क्यूबिक मीटर में हमने कन्वर्ट किया तो 310 क्यूबिक फीट वॉल्यूम हमारे पास आ जाता है गिट्टी कि हमारे पास इतना 1000 स्क्वायर फीट है, 1000 स्क्वायर फीट में हमारे पास 31.68 बैग लगेंगे अप्रोक्स, मतलब 32 बैग सीमेंट लगेगा, 155 फीट हमारे पास मदरपुर लगेगा और 310 फीट हमारा गिट्टी लगेगा। अब हम आ जाते हैं डिस्क्रिप्शन के ऊपर, तो डिस्क्रिप्शन क्या रहता है सीमेंट, तो सीमेंट हमारे पास कितना लगेगा 32 बैग, रेट क्या है आपका 380, और यूनिट का हम क्या ले रहे हैं बैग के अंदर, तो हम यहाँ से क्या निकाल लेते हैं खर्चा निकाल लेते हैं, कितना खर्चा आपका लगने वाला है, तो यहाँ पे अमाउंट कितना लगेगा, तो सीमेंट कितना है 32 बैग, 380 मार्केट में पता करने जाएंगे कितना रेट चल रहा है 380, पर यूनिट किस में बैग में लेंगे हम, तो अमाउंट कितना आएगा टोटल, जब हम 32 को 380 से गुना करेंगे तो 12160 हो जाता है। अगर हम क्वांटिटी निकालते हैं पर स्क्वायर फीट, कि हम पर स्क्वायर फीट में कितना निकालेंगे यहाँ पे, तो सिंपल क्या कर देना है कि 32 बैग लग रहे हैं आपके 1000 स्क्वायर फीट के अंदर, तो पर स्क्वायर फीट में क्या लगेगा, सिंपल इसको भाग कर देना है, तो 0.032 बैग हमारे पास पर स्क्वायर फीट में बैग लगने वाले हैं। तो यहाँ पे ये आपका क्या बन गया, ये थम रूल बन गया, ये आपका थम रूल बन चुका है कि हमारे पास 1:4:8 का रेशियो है और पर स्क्वायर फीट में लगने वाला है। सैंड कितना लगने वाला है 155 क्यूबिक फीट, और रेट हमारे पास मार्केट पता करने जाएंगे तो हमारे पास जैसे 1145 रुपया, और यूनिट हम क्यूबिक फीट में लेंगे तो दोनों को हम गुना कर लेंगे तो 6975, तो वो डिफरेंट हो सकता है कि आपके बाज़ार में मार्केट में क्या रेट चल रहा है फीट के अंदर। तो एग्रीगेट की हम बात करते हैं तो गिट्टी कितना लगेगा, गिट्टी लगने वाला है 310 फीट, तो रेट हम मार्केट में पता करने जाएंगे क्या रेट चल रहा है, तो जैसे कि 48, 50 या 55 जो भी रेट चल रहा है, 45 जो भी चल रहा है आपके पास, 42 जितना भी रहेगा, तो जब दोनों को गुना कर लेते हैं तो हमारे पास हो जाता है 14880, तो दोनों को हमने गुना किया तो इतना रेट आ गया हमारे पास। अब हम याद करते हैं लेबर कॉस्ट, जबकि PCC है तो उसको PCC कास्टिंग करने में जो लेबर ठेकेदार आ जाता है उसका ही मिक्सचर रहता है, उसकी लेबर रहती है, तो वो क्या करता है कि पूरा लेबर के साथ में आपका PCC कास्टिंग करके देता है, तो वो आपसे ले जाएगा कम से कम 15, जैसे कि आपको लेता पहले जो पहले टाइम में था 5 रुपया, फिर उसके बाद आप उसके टाइम में अलग अलग आपके एरिया में हो सकता है, ठीक है, और अलग अलग कंडीशंस के ऊपर कर सकता है कि आपको 10 रुपये लेता है या फिर 8 रुपये लेता है, 15 रुपये लेता है, और मैंने अप्रोक्स से यहाँ पे 15 रुपये लेकर चला हूँ मैं पुष्टी पे। तो जब हम दोनों को गुना कर लेते हैं कि 1000 स्क्वायर फीट का आपका एरिया है और 15 रुपये पर स्क्वायर फीट आपसे वो पेमेंट करेगा, तो स्क्वायर फीट PCC किस में होगा आपका, पेमेंट स्क्वायर फीट के अंदर, तो हम दोनों को गुना कर लेंगे तो 15000 आपका ये कॉस्ट आपका लगने वाला है। वहीं हम टूल्स एंड प्लांट्स में बात करते हैं, जैसे कि आपका कोई टूल्स पे लगता है या फिर किसी चीज़ पे खर्चा लगता है, तो यहाँ पे सीमेंट एंड एग्रीगेट, तो इन तीनों चीज़ों पे मैंने वो ऐड नहीं किया जो आपका रेंट लेता, मतलब जो किराया लगता है, जस्ट मेटल कॉस्ट की बात करा है वहाँ पे, लेबर खर्चा की बात करा है, और प्लस आपका जो टूल्स वहाँ पे जो सामान लगने वाला है जैसे कि ड्रम वरम जो भी लगने वाला है, जब हम सभी को ऐड करते हैं तो हमारे पास हो जाता है 49,000
65 अप्रोक्स आपका 50,000 खर्चा लगने वाला है 1,000 स्क्वायर फिट के अंदर। तो वहीं हम यहाँ पे हमने निकाला था पर कि पर स्क्वायर फिट में कितना लगने वाला है, इतने बैग लगने वाले हैं, और यहाँ पे 155 है, 155 लगता है, 155 लगता है आपका 1,000 स्क्वायर फिट में। तो 155 से हम इसको भाग कर लेंगे तो 0.15 आपका क्यूबिक फिट आपका लगने वाला है पर स्क्वायर फिट में, ठीक है। और वहीं हम एग्रीगेट की बात करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास कितना खर्चा लगने वाला है कि हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, जैसे कि हमारे पास हो जाता है यहाँ पे हमने निकाला था 3%, तो हमारे पास कितने किस पर लगता है, वो लेबर पे। तो 15,000 आपका लेबर पे खर्चा आ रहा है, 3% टूल्स एंड प्लांट्स पे लगने वाला है, तो कितना हो जाता है 450। अब हम सीमेंट क्वांटिटी हमने यहाँ पे निकाला था, सीमेंट क्वांटिटी 1:8 का रेशियो है, थिकनेस हमारे पास 4 इंची है, तो पर स्क्वायर फीट तो यहाँ पे कितना लग रहा है पर स्क्वायर फीट में, यहाँ पे थंब रूल क्या क्या बनेगा हमारे पास, 32 बैग लगने वाले हैं, यहाँ पे 32 जो बैग लगने वाले हैं 1,000 स्क्वायर फीट में, तो पर 1,000 स्क्वायर फीट लगता है 32 बैग, तो इसे इसको भाग कर लेंगे तो 0.032 बैग्स लगने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे पास थंब रूल बन गया कि 0.32 हमारे बैग लगने वाले हैं, 0.155 हमारे पास क्यूबिक फीट लगने वाला है पर स्क्वायर फीट के अंदर, और 0.310 हमारा पर स्क्वायर फीट के अंदर लगने वाला है। अब हम कॉस्ट की बात करते हैं, खर्चा क्या लगेगा, थंब रूल यहाँ पे क्या निकल गया, पर स्क्वायर फीट में खर्चा कितना लगेगा, 50,000 हमारे पास था 1,000 स्क्वायर फीट के अंदर, तो यहाँ पे हमने खर्चा निकाला था 50,000। 50,000 खर्चा जब आ रहा है 1,000 स्क्वायर फीट के लिए, तो पर स्क्वायर फीट में क्या आएगा, जब हम तीनों को भाग कर लेते हैं इसको, तो 5 रुपया पर स्क्वायर फीट आपका कॉस्ट लगने वाला है, 5 रुपया पर स्क्वायर फीट विद मेटल के साथ में खर्चा आ जाएगा आपका PCC के अंदर में। तो यहाँ पे थंब रूल निकल के आ गया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो थंब रूल आपका यहाँ पे निकल चुके हैं, रेट एनालिसिस निकल चुका है, प्लस आपका आपको क्लियर भी हो जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।